आज मेरे बेटे का बर्थडे है। ये देखो हमारी स्वीट गुग्गी जा रही है रिद्दू। चॉकोबार मेरी अभी भी सबसे फेवरेट आइसक्रीम। ओके गाइस, लेट मी गिव यू अ हेल्थ टिप। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं लता सबरवाल हूँ एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और फ्रेंड्स, आप लोग कई बार मुझसे पूछते रहते हैं कि बर्थडेज में क्या पहना जाए, बच्चों के बर्थडे में क्या पहने। तो आज मेरे बेटे का बर्थडे है, नहीं नहीं मतलब बर्थडे एक्चुअली उसका हो चुका है, लेकिन उसकी नानी हमेशा जो है ना अपने घर पे एक वो जो घरेलू वाला बर्थडे होता है ना जिसमें बहुत मजा आता है एक्चुअली, वो वाला जरूर करती है। तो आज मैं उस बर्थडे के लिए जा रही हूँ। एंड किस किस की नानी या दादी है या किस किस के बच्चों की नानी दादी है जो ऐसे वाला बर्थडे जरूर मनाती है भले एक्चुअल बर्थडे हो चुका हो, वो मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो दिखाती हूँ क्या पहनने जा रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे लिए हमेशा जो है कम्फर्ट फर्स्ट आता है, इसलिए मैंने घर की होम पार्टी एकदम कम्फर्टेबल रहने का मन था। गर्मी इतनी हो रही है ना, लग रहा है एसी भी काम नहीं कर रहा है। तो ये लूज सा जो है ना, थोड़ा सा पाकिस्तानी टच है इसमें, लेकिन लखनवी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये सूट चूज किया है, वेरी वेरी नाइस लूज पलाजोज। एंड ये कुर्ता, इसका कलर मुझे बड़ा अच्छा लगा। गर्मियों में ना मुझे ऐसे खिले हुए कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे वैसे भी खिले कलर बहुत पसंद है। और ये जो है ना उस मार्केट से आया है जो मुंबई की बहुत अच्छी बनाती बेस्ट एंड सबसे सस्ती मार्केट है। तो अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है सो आई अटैच द लिंक, जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा। अगर आप बॉम्बे आएंगे तो जरूर जाइएगा वहां पे, या है तो भी विजिट जरूर कीजिए। आई जस्ट लव दैट मार्केट। एंड साथ में कुछ ज्यादा ज्वेलरी नहीं पहनी, बस ये सिल्वर इयर रिंग्स पहन ली है मैंने। अगेन मेरी फ्रेंड सुनीता ने गिफ्ट किए थे मुझे ये। सो बैंगल्स बहुत पसंद है, पर इतनी गर्मी में कुछ हो नहीं रहा मुझसे। बिंदी इज अ मस्ट फॉर मी, बाल गीले हैं तो बस अभी ऐसे खोल दूंगी, अपने आप सूख जाएंगे। एंड आई एम रेडी, बिकॉज आप लोग लिपस्टिक शेड हमेशा पूछते हैं, तो मैं लिपस्टिक का, ये पीएससी की है, आई डोंट नो ये अवेलेबल है कि नहीं, मिलता जुलता जो भी शेड होगा आई विल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड आप मेकअप के लिए मेरे दूसरे ब्लॉग्स देख सकते हैं। तो मम्मी ने बहुत खूबसूरत सी साड़ी पहनी है। मम्मी ये कहाँ से आई है साड़ी, पहले साड़ी के बारे में बताइए। ये साड़ी नली से आई है, नली से। ओह वाओ, इट्स वेरी प्रिटी। और साथ में मम्मी ने एकदम अच्छा सा मैचिंग बैग भी लिया है, एंड मम्मी हमेशा टिप टॉप रहती है एकदम फुल रेडी। आपको ऐसे लगता है? नहीं नहीं, वो और क्या। आई वुड अगेन लाइक टू से फ्रेंड्स, मैं पहले भी अपने ब्लॉग्स में बोलती हूँ दैट ड्राइविंग इज वन ब्लेसिंग जो मैंने मतलब सीख ली, ऐसा लगता है मुझे कई बार। पूजा भी आई होगी। हेलो हाय, कैसे हैं जी? ठंडी ठंडी गर्मी। मम्मी घर पे बनाई है क्या? घर पे बनी है क्या? घर पे बनी है ये, बहुत टेस्टी बनी है। किसी भी छोटे बड़े ये देखो हमारी स्वीट गुग्गी जा रही है। और मेरी ये बेस्टी जो आज बहुत ज्यादा हॉट लग रही है, लेकिन अभी इसने जो है ना ऊपर ढांक मार ली है थोड़ा अपने आप को। एंड शी हैज लॉस्ट वेट आल्सो थ्रू योगा, ये हुई ना बात। आशा, एंड तू 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 तू, नजर ना लगे, नजर ना लगे, नजर ना लगे। अडोरेबल रूहानी, कितनी प्यारी लग रही यार, टच वुड, सच्ची टच वुड, टच वुड, गॉड्स ग्रेस। और ये सब लोग बैठे हैं, चलो हैप्पी आशा के दर। शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। चलो वन टू थ्री स्टार्ट। ग्लो करो, ग्लो करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आरा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डियर आरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। निकाल दूं इसमें से ना। आज सारा खाना मैंने बाहर से मंगवाया है, आशा की शादी करके मैं थक चुकी हूँ।
और मैंने बोला था बर्थडे तभी आप करोगे जब घर पे नहीं बनाओगे, नहीं तो मैं बढ़ जाती हूं। बहुत ज्यादा गर्मी है इसलिए मैंने आज बाहर से मंगवाया, जिसमें आया है जीरा राइस। चलो मेन्यू दिखा दे हमारा, रायता, मिक्स वेजिटेबल ना, ये राजमा लग रहा है लेकिन उसने अच्छी नहीं अपने लग, हाँ कलर पीला सा आ रहा है, ये भी ड्रॉप शो लग रहा है, फ्राई भिंडी ये टेस्टी लग रही है, और क्या चीज़ मटर पनीर। अच्छा मटर पनीर, हाय रब्बा मेरे तेल देखो क्या करूंगी मैं, ओए 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 ओए, बाहर के खाने का बस ये एक थोड़ा, साथ में चपाती, सिंपल चपाती, चावल और चपाती, बस और क्या चाहिए, छाछ तो आप ही घर पे बनाते हैं, स्वाद छाछ, आइसक्रीम केक भी है, आइसक्रीम भी है, केक भी है, वो भी खाएंगे, वो प्लेट सारी पापड़, पापड़ आशा पापड़ है क्या आशा, ओके गाइस लेट मी गिव यू अ हेल्थ टिप, अगर आप चीट कर रहे हैं और अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं तो लेट मी टेल यू दैट आप ठीक है, हम बाहर जाते हैं हम ऐसा खाना खाना पड़ता है, खाइए, कोशिश कीजिए घर से काफी सारा सैलेड खा के जाएं, नहीं खा के गए कोई बात नहीं खाना खाइए, पर ऐसी चीजें जैसे डीप फ्राइड पापड़ ये सब थोड़ा सा माइनस कर दीजिए ताकि मेन खाना खाना ही खाया जाए, क्योंकि एक तो ऑयल ऊपर से थोड़ा सा पापड़ भी हैवी होता है, डीप फ्राइड चीजें जो है ना वो अवॉइड कीजिए, बाकी खाना खा लीजिए, है ना। आज मैं आप लोग को मेरी नई आउटफिट दिखाने वाला हूँ, ये देखिए, ये आपको बड़ी लग रही होगी पर ये बहुत अच्छा वन पीस आउटफिट है, इसको ऐसे पीछे ऊपर लीजिए, पल्लू की तरह ओढ़िए और इसे अपनी और लपेट लीजिए, बस ये है हमारा सुंदर सा सिंपल सा आउटफिट जिसपे अच्छे से फूल बने हुए हैं, देखिए इसके मटेरियल भी काफ़ी अच्छे हैं और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और ये मुझे मिला खाली 400 रुपए का मीशो पे, बाय बाय, थैंक यू। मैंने रख दिया भिंडी, काफी टेस्टी है भिंडी मसाला, भिंडी जो भिंडी फ्राई फ्राई चीज़ों का मज़ा तो होता है, मटर पनीर भी बहुत अच्छे हैं, क्वाइट टेस्टी, तेल थोड़ा सा साइड कर रही है, किनारे से निकाल लिए मैंने, और मखनी दाल अटेम्प्ट नहीं कर पा रही क्योंकि वो हमारा पंजाबी वाला कलर नहीं है इसके, मैं उसको अटेम्प्ट करूँगी नहीं, रायता चलो देखते हैं, वैसा भी नहीं है लेकिन उतना खराब नहीं है, ये चाहिए आटा अभी स्पेशली थोड़ा सा गूंदा था ही नहीं आता, लो ये लो आटा, ओ समीस तू उठा ले, जा नीचे से उठा, जा रोटी दे दो या ब्रेड दे दो या बिस्किट दो, मुंह में कैच करेगा फेंक देगा, वो नहीं चाहिए, आटा ही चाहिए, अभी आटा नहीं था मैंने जरा सा गूंदा है इसके लिए, और ये बिना जाएगा भी नहीं, ले लो नीचे से उठा लो, गिराया तुमने, ये है हमारे बचपन की याद, ये कप वाली आइसक्रीम जो हमेशा हर उम्र में और सालों साल तक अच्छी लगती रहेगी, मम्मी ने खा ली आइसक्रीम, मैंने नहीं खाई है, कुछ कुछ करके निकालनी पड़ रही है, थोड़ी सी हार्ड है लेकिन इसका मजा ही कुछ और है, लवली, ये और चोकोबार मेरी अभी भी सबसे फेवरेट आइसक्रीम है। तो अब मैं जा रही हूँ शिवांगी की प्री बर्थडे सेलिब्रेशन में, मतलब हम लोग उसका बर्थडे ब्रिंग इन करने वाले हैं आज रात को, एंड आई डोंट नो फ्रेंड्स मैं उस टाइम पे ब्लॉग शूट कर पाऊंगी कि नहीं, यू नो व्हाट, मुझे दूसरे की मतलब सबकी प्राइवेसी का बहुत ख्याल होता है, और शिवांगी एक ऐसी लड़की है ना जो हमेशा हमेशा मुझे अपने बर्थडे पे बुलाती है, शी लव्स मी सो मच, और फैमिली के साथ बुलाती है हमेशा, ऐसा नहीं है कि मतलब 50 लोग आएंगे तो इन्वाइट करेगी, शी इज़ फैमिली टू मी, एंड मैं इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखती हूँ कि कोई मुझे एकदम प्यार से बुलाता है तो मैं उस टाइम काम ना करूँ और पूरा कॉन्सेंट्रेशन उन्हीं के ऊपर करूँ, सो आई एम नॉट श्योर कि मैं ब्लॉग कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन हाँ हम फोटोग्राफ ज़रूर खींचेंगे, वो तो डेफिनेटली शेयर आपके साथ इसी ब्लॉग में कर दूँगी,
एंड अगर हो पाया तो कुछ शूट करूंगी, अगर नहीं तो नहीं। आई विल शो यू माय फुल आउटफिट। आज लगता है ग्रीन डे है तो इस टाइम कुछ बहुत कंफर्टेबल सा पहनने का मन था। काफ़ी लेट हो गया है एंड द लेबल लाइफ से मैंने ये जंप सूट मंगवाया था, आपने शायद देखा होगा गुवाहाटी के व्लॉग्स एंड पिक्चर्स में ही मैंने पहना हुआ था। एंड वेरी वेरी कंफर्टेबल, वेरी सॉफ्ट फैब्रिक, पॉकेट्स भी दिए हुए हैं एंड बस ये साथ में जो है मैंने इयररिंग्स पहन लिए हैं थोड़े लंबे से थोड़े अच्छे से ताकि इवनिंग लुक जैसा आ जाए। संजीव जी इज नॉट फीलिंग अ लिटिल वेल इसलिए वो मेरे साथ नहीं चल रहे हैं, सो आई एम गोइंग एंड लेट्स सी, कम विद मी। यार कोई हैप्पी बर्थडे म्यूजिक तो लगा देता। हैप्पी बर्थडे टू यू, केक कट करने में गाएंगे ना। हैप्पी बर्थडे डियर शिवांगी, हैप्पी बर्थडे टू आना भी तो।